जरूरी यह है कि आप अपने दायरे में छोटा सा दायरा है ना आपका तल्लकात का, जितने आपके वाकफ लोग हैं, गिनती के होते हैं वाकफ 100, 50, 200, हजार से ज्यादा हम नहीं वाकफ बना सकते, मतलब हजार से ज्यादा हम ऐसे आदमी नहीं बना सकते जिनको नाम से पुकारे, भैया आपका नाम, ये आपका नाम, 1000 आदमी, और उसके अंदर हमारा पूरा जिंदगी का इल्म गुजरता है। इसी में इल्म देने वाले हैं, इसी में इल्म लेने वाले हैं, इसी में ग्राहक भी हैं, इसी में दुकानदार भी हैं, जिनसे हमने सौदा लेना है और जिनको हमने सौदा देना है, उसी 1000 आदमी में। तो 1000 आदमी में हमारे इल्म ने परवरिश पानी है। अब 1000 होते नहीं है, 500 होते हैं, अब 1000 समझने बाद चंद आदमी होते हैं, और इसी में हमने रोना भी है, गोया कि इनमें से किसी की मौत हमारा गम बनेगा, बाहर की मौत हमारे लिए गम नहीं है। आप आज आपने खबर पड़ी है कि हिंदुस्तान के एक गांव में एक आदमी मर गया, तो की करिए मर गया, अगर हमारे लिए तो गम वो होगा हमारा कोई आशना गुजर जाए तो। तो गोया कि ये जिंदगी की मजबूरी है, हर इंसान की मौत आपके लिए गम नहीं है, आशना की मौत गम है। तो गोया के गम जो आपको मिलता है आशना की मौत का, लिहाजा आपके दायरा जो है जज्बात का आशना तक है, बात है ना। और इसी तरह अगर आप गौर करें आपका इलाहियात का दायरा भी आशना तक ही रहेगा, इससे बाहर निकलेगा। आपको बात समझाई कि इस जमाने में फला मकाम पर एक दरवेश बैठा हुआ है, बैठा हुआ इंडोनेशिया में है, कहते आप वहां चलो, कहते हम तो जा नहीं सकते, और आप पर यह फर्ज नहीं है कि आप इंडोनेशिया के दरवेश के पास जाके अपना कोई फैज लो। आप लाहौर में रहते हो, जी लाहौर में रहते हो, पैसे भी कौन नहीं है, कौन नहीं है, टांगों में ताकत है, यहाँ कोई दादा साहब का आस्थान है वहां चले। तो गोया के आपकी जाहरी और बातनी जरूरतें अपने इलाके और अपने दायरे मालूमात में पूरी होंगी, बात समझ आई। वो जिस तरह कहते हैं ना, फरीदा रोटी तेरी काट दी, रोटी मेरी काट दी, लामन मेरी भूख, ऐसे कहते हैं ना, हाँ, कि वो काट की रोटी लगी फिरते रहे। एक पूरा सिंबल है कि उस इलाके के इंसानों की मीशत के दायरे मदार लकड़ी पर था, कि तुम मीशत की परवाह ना करो, ये तुम्हारे पास जंगल है, लकड़ी काटो और मीशत ही मीशत है, बात समझ ना। तो रोटी तुम्हारी कहाँ से मिलेगी, मतलब आप लोगों की जो है ना किताबें बेचने वाले हैं उनकी रोटी कहाँ से मिलेगी, कागज से, तभी किसी की रोटी लफज से, किसी की रोटी किसी बात से। तो गोया कि ये सारे अल्लाह करीम के फैसले हैं। तो आपकी मीशत आपके दायरे में है, आपका गम आपके दायरा में है, आपकी खुशी आपके दायरे में है, किताबों में नहीं है, जो दायरा है आपका मालूमात है उसी के अंदर सब कुछ है, और इसी के अंदर कमीनगी भी है, छोटे मोटे वाकयात भी हैं, इसी के अंदर बेहिसी भी है। वैसे कहते हैं सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वो है जो बेहिस हो, जिसको एहसास ही ना हो, तो हो गया सो हो गया, बेहिसी ऐसी एक बीमारी की इंतहाई शक्ल है, रूहानी बीमारी की, कि बेहिसी हो जाए इंसान, ये भी इतने दायरे में होती है। और इसी दायरे के अंदर, नॉन दायरे के अंदर आपको मुर्शिद भी मिलना है, इसी दायरे के अंदर आपको मुअज्जिन भी मिलना है, इसी दायरे के अंदर आपको छोटी सी मस्जिद भी मिल जानी है, सारी जिंदगी के मुकम्मल वाकयात आपकी आशनाई में से गुजर जाएंगे। तो गोया के आप अपनी आशनाई के अंदर गौर करो, खुशी देने वाला आया और आपके पास से चला गया, आपने बचाना ही नहीं, जो आने वाला उसको गौर से देखो। एक आदमी आया, आपके निगाह मिला ही चला गया, इलम देने वाला था, गौर करो, इसी के अंदर ही वाकया है। इलम कहीं आपने अफगानिस्तान से जाकर नहीं लेना, यही आपकी सीट पर बैठो और यही आपको वो बात मिल जाएगी, बात समझ आई ना। तो गोया के अपना इरादा और अपनी नीयत की इसलाह करनी है, बाकी सारे काम अल्लाह करीम पूरी कर देते। चलो बेहतर है, दुआ करो, तैयार करो, आवाज आप करो, दुआ करो, चलो पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कुछ पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس محبر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا کرتے ہیں.